तो वेलकम स्नैक्स देख लीजिए क्या सब है अपना। फ्रूटी है, देखिए दोस्तों ये अपनी दाल मखनी, तो दोस्तों हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस आ चुकी है नाथ नगरी बरेली। यही कुछ है आज के शाम के नाश्ते में। जय माता दी मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत करता हूँ स्पोर्ट्स सिटी ऑफ इंडिया अपनी मेरठ से। और आज हम यात्रा करने वाली हैं अपनी मेरठ से लखनऊ के बीच में चलने वाली अपनी ये सैफ्रन वंदे भारत, जिसका आज इनॉग्रेशन है। आज इसी ट्रेन की जर्नी होने वाली है अपनी मेरठ सिटी से। चलिए इस यात्रा को करते हैं शुरू। और दोस्तों ये अपनी वंदे भारत जो है वो देश की 52वीं वंदे भारत होने वाली है। इससे पहले 51 वंदे भारत अपनी देश में सर्विस देती है। तो वेलकम स्नैक्स देख लीजिए क्या सब है अपना। फ्रूटी है अपना, ये एक है खस्ता कचौरी, ये समोसा अपना, 2020 बिस्किट, टोमेटो केचप, और ये है नीचे एक जो टूट गया मिठाई है। तो चलिए दोस्तों फाइनली हमारी वंदे भारत का मेरठ सिटी से लखनऊ की ओर रवानगी हो चुकी है। हम मोदी जी को आप वीडियो कॉन्फ्रेंस में देख सकते हैं स्क्रीन पे। देखिए कितना लोग आते इस इनॉग्रेशन की जर्नी में, मतलब वंदे भारत को देखने के लिए, उसका अभिवादन करने के लिए। देख सकते हैं दोस्तों कितनी टाइट सिक्योरिटी थी अपनी इस वंदे भारत इनॉग्रेशन डे पे। हाँ देखिए ये और यह देखिए मेरठ वासियों, क्या मेरठ वासियों को देखिए कितनी खुशी है इस ट्रेन को देख के। देख लीजिए भाई, पूरा ट्रैफिक जाम है इस ट्रेन को देखने के लिए। ने तो सबको स्थिर कर दिया है। तो दोस्तों अपनी ये 22490 मेरठ सिटी लखनऊ चारबाग वंदे भारत एक्सप्रेस अपनी सप्ताह के 6 दिन आपको सर्विस देगी। ट्यूसडे को ये नहीं चलेगी। आपको टाइम बता दूं मेरठ सिटी से ये 6:35 पे सुबह में निकलेगी और 1:45 दोपहर आप पहुंच जाइएगा लखनऊ चारबाग। वहीं लखनऊ चारबाग से आपको 2:45 पे निकलेगी और उसी दिन रात के 10 आप वापस पहुँच जाओगे मेरठ सिटी रेलवे स्टेशन। यह स्पीड पकड़ ली वंदे भारत, इसी के लिए तो जानी जाती है अपनी वंदे भारत। अरे वाह, यहाँ बारिश भी शुरू हो गई। देखिए देखिए हमारी ट्रेन का बारिश भी शुरू हो गया दोस्तों। और दोस्तों देख सकते हैं वंदे भारत की स्पीड। रूट कोई भी हो, शहर कोई सा भी हो, बट वंदे भारत का रुतबा हर जगह एक जैसा ही होता है। यह देखिए दोस्तों ट्रेन के इनॉग्रेशन में इंद्रदेव भी बारह खुश हैं, बारिश बरसा रहे हैं।
तो ये दोस्तों हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस आ चुकी है मेरठ सिटी से चल के अपनी हापुड़ जंक्शन। जंक्शन पॉइंट इसलिए क्योंकि खुर्जा, मेरठ सिटी, गाजियाबाद और अपनी मुरादाबाद, ये चारों लाइन आके यहाँ पे मिलती है। हम लोग आगे मुरादाबाद की तरफ जाएंगे। वैसे आपको बता दो दोस्तों, अपनी वंदे भारत का स्टॉप, अपनी वंदे भारत मेरठ सिटी से निकलने के बाद डायरेक्ट मुरादाबाद रुकेगी, उसके बाद बरेली, जब इसका कॉमर्शियल रन होगा। आज स्पेशल रन है, इसलिए आज बहुत सारे स्टेशन पे रुकने वाली है। तो आप याद रखेगा, दो ही स्टॉप इस वंदे भारत की होने वाली है, मुरादाबाद और बरेली। और यहाँ पे देखिए ट्रेन के अंदर कितने सारे यात्री आए हैं ट्रेन को देखने के लिए अपने हापुड़ में। दोस्तों वंदे भारत जिस तरह की प्रीमियम ट्रेन है वैसा ही इसका फूड भी होता है, तो अपनी ये प्रीमियम फूड सर्व कर दिया गया है। देखिए कितना अच्छा है इसका बॉक्स है अपने ये थाली का। चलिए अंदर क्या है वो आपको अनपैक करके दिखाते हैं। देखिए दोस्तों ये अपनी दाल मखनी, साथ में ये आलू का सूखा सब्जी, इधर है चार रसगुल्ले, और ये है अपना शाही पनीर। इसमें देखिए कितने बड़े बड़े क्यूब्स हैं पनीर के। और ये है अपना जीरा राइस, साथ में यहाँ पे मिक्स पिकल, और ये है चार चपाती जो कि एकदम गर्मा गर्म है। तो ये आ चुके हैं हम लोग दोस्तों गंगा नदी के ऊपर बने गढ़ मुक्तेश्वर ब्रिज के ऊपर। जय जय माँ गंगे। दोस्तों हर वंदे भारत की तरह इस वंदे भारत में आपको दो तरह के कोचेज मिलेंगे, एक अपनी एग्जीक्यूटिव क्लास और एक चेयर कार। चेयर कार का आपको टिकट पड़ जाएगा आपको यहाँ मेरठ सिटी से लखनऊ तक का 1355 रुपया। वहीं आप अगर एग्जीक्यूटिव क्लास में जाना चाहते हैं तो आपको 2400 रुपये लगभग खर्च करने पड़ेंगे। दोस्तों हमारी वंदे भारत पहुँच रही है मुरादाबाद, और यह देख लीजिए यहाँ खड़ी हुई है गुरुमुखी एक्सप्रेस जो नांगल डैम से कोलकाता के बीच में चलती है। एक तरह से इसे ओवरटेक ही कर रहे हैं हम लोग। तो दोस्तों हम लोग ओवरटेक कर रहे हैं गुरुमुखी एक्सप्रेस को, जिसमें लगी है WAP 5। फिलहाल अपनी गाड़ी जो है मुरादाबाद पहुंचने वाली है। तो पीतल नगरी मुरादाबाद में आप सभी का स्वागत है मेरे दोस्तों। हमारी ये सैफ्रन वंदे भारत आ चुकी है मुरादाबाद। वैसे बता दूं आपको, इस अपनी वंदे भारत का यहाँ पे मुरादाबाद में कॉमर्शियल रन में अपनी 8:45 सुबह में टाइम रहेगा, 5 मिनट यहाँ रुकेगी और 8:50 में निकल जाएगी। वैसे दोस्तों आपको मैं बता दूँ, आज सिर्फ अपनी ये वंदे भारत नहीं चली है, इसके अलावा दो और वंदे भारत को आज मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है। वो चली अपनी पहली ये चली है चेन्नई से नागरकोइल के बीच में, और दूसरी चली है मदुरै से SMVT बेंगलुरु के बीच में। तो टोटल आज 3 वंदे भारत चली है। और देखिए दोस्तों मुरादाबाद में भी अपनी वंदे भारत के स्वागत में छोटा सा प्रोग्राम रखा गया है। देखिए स्टेशन को कुछ इस तरह से सजाया गया है, बाकी यहाँ काफ़ी नेता सब आए हुए हैं अपने BJP का झंडा लेके, अपने तिरंगा भी साथ में है। ये देखिए एक स्टेशन एक उत्पाद, यहाँ पे आपको पीतल के सारे कुछ मिल जाएंगे, देख सकते हैं वाटर बोतल वगैरह भी है, बाकी ग्लास वगैरह मटके, और ये देख सकते हैं सारा कुछ लटकाने और वाला भी कितना अच्छा अच्छा बना हुआ है। यहाँ वॉच देखिए, ये भी उसी का है पीतल का। तो ऐसे स्टॉल पे से आप ले सकते हैं पीतल का सामान। निकल चुके हैं दोस्तों पीतल नगरी मुरादाबाद से। वन मोर ओवरटेक बाय वंदे भारत। बाकी ब्राइडी देख सकते हैं हमारी वंदे भारत की, यहाँ से भी डिपार्चर में एक ट्रेन खड़ी है और हम लोग उसको ओवरटेक कर रहे हैं डिपार्चर के साथ साथ। कोई पैसेंजर ट्रेन है ये। लाल कुआं मुरादाबाद पैसेंजर
और इसमें लगा है दोस्तों सारी पैसेंजर ट्रेन में आते बैग ना ही नहीं देखने को मिलता है। दोस्तों अगर आप चेयर कार में ट्रेवल करते हैं ना तो आपको इस चेयर कार में एक फैसिलिटी मिलेगा, आपको ये फैसिलिटी मिलेगा। यहाँ पे देखिए बटन है, ये बटन प्रेस करेंगे उसके बाद आप इसे पीछे एक लाइन कर सकते हैं, इससे आप एकदम रिलैक्स मोड में जा सकते हैं। वहीं आप अगर एग्जीक्यूटिव क्लास में ट्रैवल कीजिएगा ना, ये जो सीट है ना ये पूरा 360 रोटेट हो जाता है, आप विंडो की तरफ अपना बना सकते हैं सीट का व्यू, तो ये आपको डिफरेंस मिलता है चेयर कार एग्जीक्यूटिव क्लास में। अब पीछे आ जाओ, इन लोगों को वीडियो बना लें। बरेली जंक्शन। तो दोस्तों हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस आ चुकी है नाथ नगरी बरेली, जी हाँ। और यहाँ पे भी हमारी ट्रेन का कॉमर्शियल हॉल्ट भी रहने वाला है, ये हमारी वंदे भारत का सेकेंड हॉल्ट रहने वाला है जब ये परसों से डेली चलेगी बरेली में। दोस्तों हमारी वंदे भारत का ना रेगुलर रन में 4 मिनट का हॉल्ट रहेगा और ये सेकेंड हॉल्ट रहेगा, पूरे जर्नी में 2 ही हॉल्ट, इसके बाद डायरेक्ट अपनी ये वंदे भारत का हॉल्ट रहेगा लखनऊ चारबाग। और यह देखिए बरेली में कुछ इस तरह से स्वागत किया जा रहा है अपनी इस नई नवेली वंदे भारत का। काफ़ी ज़्यादा भीड़ आई हुई है दोस्तों। बरेली तक हमारी ये वंदे भारत एक्सप्रेस 224 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट कर चुकी है, यहाँ से अब और 200 कुछ किलोमीटर, लगभग 225 किलोमीटर और जर्नी होगी और तब पहुँच जाएंगे लखनऊ नवाबों के शहर। दोस्तों वंदे भारत में अगर आप ट्रैवल करते हैं ना तो आपको सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का नाश्ता और रात का खाना चारों चीज़ मिलता है, जिस टाइम पे भी आप ट्रैवल करते हैं उस हिसाब से। तो फिलहाल हम लोग का अब शाम का जो स्नैक्स है वो सर्व किया जा रहा है, तो कुछ ऐसे बॉक्स में अपना इवनिंग स्नैक्स सर्व कर दिया गया है, बॉक्स काफ़ी अच्छा है दोस्तों। वंदे भारत एक्सप्रेस मस्त है। देखिए दोस्तों इसमें सबसे पहले तो आपको ये नैपकिन दिया गया है, कुछ ऐसा IRCTC लिखा हुआ है इस पर। इसके अलावा यहाँ पे ये है कुछ ट्रायल मिक्स प्रीमियम क्वालिटी, बाकी यहाँ पे अपना ये चिक्की है, चिक्की ये है, केक नहीं, केक नहीं है, ये केक जैसा ही कुछ है, अब जो भी हो। बाकी यहाँ पे है एक इसमें खस्ता, खस्ता इसमें है, छूने से पता चल गया। साथ में है एक एप्पल ड्रिंक, गुआवा ड्रिंक है, गुआवा ड्रिंक। तो यही कुछ है आज के शाम के नाश्ते में। शाम के नाश्ते के बाद दोस्तों अब चाय भी आ चुका है, यह देख लीजिए मसाला चाय, बाकी अपने इसमें गर्म पानी मिलेगा फिर बनेगा चाय। तो ये हमारा चाय हो चुका है रेडी। चलिए चाय, वैसे मैं पीता हूँ नहीं, बहुत रेयर ही पीता हूँ, आज टेस्ट करते हैं वंदे भारत का चाय कैसा है। चलिए दोस्तों पीते हैं अपना वंदे भारत का टेस्टी चाय। क्या बताऊँ दोस्तों, मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा है उतना, भाई जो हमेशा चाय पीता है वो ज़्यादा अच्छा से बता सकता है, बट मैं हमेशा पीता हूँ नहीं और मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा है। दोस्तों मैं तो उतना चाय पीता हूँ नहीं, कभी कभार पी लेता हूँ, बट अपने ये भाई हैं ना ये पीते हैं, इनको चाय का पूरा टेस्ट अच्छे से पता है, कौन सा ये चाय अच्छा है कौन नहीं, तो इनसे पूछते हैं कि इनको कैसा ये चाय लग रहा है वंदे भारत का, बताइए दोस्त। तो भाई ये चाय जैसे हर बार रेलवे की चाय की जैसे रिव्यू देता हूँ ना, तो ये वंदे भारत की चाय है, तो इसमें भी कोई कुछ खास नहीं है, मतलब जैसा रहता है भाई वैसा ही है, वही समझ लीजिए पानी घोला हुआ इसी तरह की कुछ चाय है, मसाला चाय वैसे भी अच्छा नहीं लगता भाई। चलिए तो ये भी वही बोल रहे हैं कि उतना अच्छा नहीं है, हाँ पानी कुछ ज़्यादा ही पड़ गया दोस्तों, थोड़ा ही पानी लेते ना तो अच्छा शायद बन जाता।
कोई बात नहीं, आप लोग आइएगा तो ज़्यादा पानी मत बनाइएगा, कम पानी लीजिएगा। चलिए दोस्तों एक और ट्रेन का ओवरटेक देखते हैं। यह है दोस्तों दिल्ली गोरखपुर समर स्पेशल ट्रेन। देखिए अभी भी बारिश हो रही है। बालामऊ को स्किप कर रहे हैं दोस्तों। बालामऊ एक जंक्शन पॉइंट है, किस लिए है वो कमेंट करके आप बताइए। यहाँ कौन कौन से रूट आके ज्वाइन करती है। दोस्तों देख लीजिए कितनी खूबसूरत शाम हो रही है, लगभग 6 बज रहे हैं। सूर्य देव अस्त होने की ओर चले हैं और हम लोग लखनऊ पहुंचने की ओर चल रहे हैं। दोस्तों आपको इस वंदे भारत एक्सप्रेस का ना कुछ यूनिक फीचर शेयर कर देते हैं। जब भी आप इस ट्रेन में ट्रेवल करो तो आपको वो सब प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले आप चार्जिंग प्लग खोजोगे तो कहीं आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सीट के नीचे रहता है। दिखाता हूँ मैं कहाँ, ये देखिए ये है अपनी सीट के नीचे, जिसमें आप पावर अडेप्टर भी लगा सकते हैं या फिर आप USB टाइप भी लगा सकते हैं, दोनों सिस्टम दिए हुए हैं। दोस्तों अगर आपको दिन में धूप आए विंडो से तो आप ये स्लाइड करके पूरा ब्लाइंड कर सकते हैं इस विंडो को। बाकी आपको सेंसर वाला यहाँ टच लाइट भी मिलता है, ऐसे करके टच कीजिएगा बस लाइट जल जाएगा, ये रीडिंग लाइट है। नवाबों के शहर लखनऊ में आप सभी का स्वागत है। तो फाइनली दोस्तों शाम के 7:30 हमारी वंदे भारत हमें पहुंचा दी है अपने फाइनल डेस्टिनेशन नवाबों के शहर लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन पे। तो दोस्तों 458 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट करके हमारी वंदे भारत आ चुकी है लखनऊ चारबाग। ये दोस्तों नवाबों के शहर का ये जुलूस, क्या जोश है दोस्तों लोगों में, काफी ज्यादा। तो दोस्तों 02490 अपनी मेरठ सिटी लखनऊ न्यू वंदे भारत इनॉग्रेशन जर्नी यहीं होती है कंप्लीट। उम्मीद है आपको ये सफ़र पसंद आएगा। वैसे मैं बता दूं मेरठ सिटी से लखनऊ के लिए एक और ट्रेन चलती है डेली, वो है राज्य रानी एक्सप्रेस, जो वंदे भारत के जस्ट 5 मिनट बाद निकलती है सुबह में, और वो आपको 8 घंटा 10 मिनट टाइम लेती है। अपनी ये वंदे भारत 7 घंटा 15 मिनट का टाइम लेगी, 1 घंटा ज़्यादा टाइम लेती है, बट उसमें आपको 200 से लेकर 1100 के बीच में आप किसी भी फेयर दे के आप सेकेंड AC में भी ट्रैवल कर सकते हैं। बट वंदे भारत में आप अगर ट्रैवल करना चाहते हैं, प्रीमियम ट्रेन में ट्रैवल करना चाहते हैं, प्रीमियम फैसिलिटी लेना चाहते हैं, तो आपको 1300 मिनिमम खर्च करना पड़ेगा, और अगर एग्जीक्यूटिव में आप सफ़र करना चाहते हैं तो आपको 2400 रुपये लगेंगे। चलिए इस सफ़र को करते हैं यहीं पर कम्प्लीट। अभी मैं आ चुका हूँ अपना लखनऊ रेलवे स्टेशन के बाहर, देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये रेलवे स्टेशन बाहर से भी दिखने में है और अंदर से भी बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है। उम्मीद है आपको ये सफ़र पसंद आया होगा वंदे भारत का। मिलते हैं जल्दी किसी और नए ट्रेन सफ़र में, तब तक के लिए बाय, जय श्री राधा कृष्णा एंड जय हिंद।